गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर नए ब्लॉग के साथ आप सब यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग आज शुरू किया है, आज है 5 फरवरी, तो ये आएगा कल 5 फरवरी वाला। अब कल डालूंगी मैं इसको, हाँ अभी तो एडिट करना पड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। हम बना रहे हैं आज हम कुछ स्पेशल, तो वही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं बढ़िया आज। तो ये बना रहे हैं हम माश की दाल और इसके व्हाइट कद्दू के। मैंने माश की दाल रखी है रात को भिगोने के, छिलके निकले हुए मतलब धुले माश लाए थे मैंने, तो वो रख दिए मैंने भिगोने को, कल शाम को रख दिया था। तो अभी हम उसको पीसेंगे, पहले तो इसको कद्दूकश करेंगे। मैंने पहले ही दिखाना था इन्होंने, मैं कुछ काम कर रही थी, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो ये वाले कद्दू आप लोगों को पता ही होगा, व्हाइट वाले हैं ये, तो इसके बनाएंगे हम लोग, बोलते हैं इसको रेठे रेठे रिठे रेठे रेठे पेठा बनता है। पेठा, हाँ जिसका पेठा बनता है, ये साहब जी को पता है सब कुछ, हमारे साहब जी को पता होता है सब कुछ, पेठा जिसको बनते हैं, हाँ वो वाले हैं। तो कैसे कैसे बनाएंगे बाकी बाद में दिखाती हूँ, बाद में मिलते हैं, तब तक हम इसको कद्दूकश करके तैयार करते हैं। हम लोग ने ये जो मैंने बताया कि काट दिया था और बीज इस तरह से निकालना पड़ता है, मैंने पहले बताया नहीं था, तो इस तरह से ये बीज अलग कर दिया हमने और इसको इस तरह से करने के बाद हमने कर दिया ये कद्दूकश। और कद्दूकश करने के बाद मैं पहले ना बीच में वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इस तरह से ये हमने पतीला ले लिया नीचे और ऊपर से हमने दुपट्टा रख दिया साफ, और ये जाली वाला बर्तन है तो इसके ऊपर रख के, तो साथ साथ में ये पानी भी निकलते रहेगा ना, इसमें पानी बिल्कुल से भी नहीं रहना चाहिए, तो साथ में ये पानी निकलते रहेगा और साथ में हम कद्दूकश भी कर रहे हैं, साथ में ये निकल जाएगा और इसे बिल्कुल पानी निकालने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से रख दिया है हमने निकलने के लिए पानी। तो अब इसके बाद दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस, बाद में मिलते हैं। हम सारा कद्दूकश करके इसको बिल्कुल पानी बिल्कुल से भी निकाल देंगे, बिल्कुल जोड़ के निकालेंगे। अभी अभी तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखूंगी ना, तो फिर ही निकलते रहेगा साथ साथ में। तो बाकी का अभी दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर से। चलती हूँ मैं भी, है ना। चलो ओके। मिर्च डाले, मिर्च पाउडर, तो इसमें हम मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये वाला वीडियो ना वैसे हमने आप लोगों को पता है 5 तारीख को शुरू कर दिया था ये, तो उस दिन हम इसको कद्दूकस करने में हो गए शाम तक, 4 बज गए थे और धूप चले जाने लग गई थी हमारे यहाँ से ना, और थोड़ा सा हम नमक भी डाल रहे हैं, हींग पहले ही डाल दिया हमने, ये चेक कर रही कि नमक डालने से कहीं पानी तो नहीं निकलेगा इससे, तो देख रहे भाई कितना पानी छोड़ेगा ये, कहीं गीला तो हम, हाँ पानी मत डालो नमक, है ना। वैसे बड़ी में मैंने सुना कि नमक नहीं डालते, तो हम नमक नहीं डाल रहे, वैसे अच्छे से पता नहीं नमक नहीं डालते ऐसे बोले। तो हमने मिर्च और हींग डाल दिया है इसमें ना बड़ी में, और अब इसके बाद हम बनाते हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो हमारा ऐसे ही रह गया था पिछले कल 6 तारीख को, मौसम हमारा बहुत खराब था और 5 तारीख को हमने कद्दूकश किया और माश पीस के रखे, और इतना में टाइम बहुत हो गया था, धूप चली गई थी। तो आज हम डालेंगे अब इनको किस तरह से डालते हैं, और मिक्स करने की विधि तो हमने बता दिया, पहले खूब अच्छे से हमने माश को फीटा, उस टाइम हमारे को ध्यान नहीं रहा, फिर उसके बाद देखा हमने कि पानी में डिप करके माश को, अगर वो नीचे बैठ जाता है तो वो नहीं, परफेक्ट नहीं हुआ था, तो अगर वो पानी के ऊपर तैरता है माश तब वो परफेक्ट है, तो इस तरह से था। अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इसको जैसे धूप में डालेंगे तब दिखाएंगे आपको। तो हमने ला लिया है टेरेस में, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत खिली हुई धूप, इसीलिए तो हम एक दिन का गैप हो गया हमारे को, हमने किया था 5 तारीख को शुरू और 6 को हो गया मौसम ख़राब, और हम कर रहे हैं अभी 7 तारीख को ये, तो 7 तारीख को हमारा पूरा बन के तैयार है। अब हम सुखा रहे इसको धूप में और इन प्रैक्टिस कर रहे गोल गोल बनाता वाला, थोड़ा सा गिल्ला हो गया ये ना, थोड़ा सा पानी रह गया था शायद इसमें, तो वैसे तो हमने ना बिल्कुल निचोड़ दिया था इसको ना, जैसे मैंने दिखाया था आपको, कपड़े से छान लिया था, फिर उसके बाद दोनों हाथों से
प्रेस करके खूब पानी निकाला था इसका, और पानी निकालने के बावजूद फिर हमारा एक दिन का गैप रह गया ना, रात को रह गया ये फ्रिज में। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो हो गया इसका, मतलब थोड़ा सा गिल्ला हो गया ये, और इन्होंने जब फेंटा फेंटने के बाद और इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज हो गया, और इसी तरह अब हमारे को डाल के सुखा देना पड़ेगा। वैसे तो सूख ही जाएगा ये, बहुत तेज़ धूप खिली है आज। और इस तरह से तो आप लोगों को बता दिया था मैंने वैसे प्रोसेस, तो मैं दिखा भी दिया था, मतलब फिर से एक बार बता दूँ आप लोगों को। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि हमने आपने देखा कि हमने कद्दू को काट लिया था, वाइट कद्दू को, और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लिया था। और कई तो छिलके निकाल के कद्दूकश करते हैं ना, पर हमने अंदर से बीज निकाला, बीज निकालने के बाद हमने छिलका नहीं निकाला, छिलका, क्योंकि अगर छिलके को निकाल देना कद्दूकश करने में थोड़ा दिक्कत आती है। हमने छिलके के साथ छिलका आराम से पीछे से पकड़ा जाता है और आराम से कद्दूकश हो जाता है, और बाद में छिलके को फेंक दिया हमने, इस तरह से कद्दूकश किया। और ये देखिए हम लोगों ने ना कद्दूकश करने के बाद फिर जैसे मैंने दिखाया कि कपड़ा ले लेना है उसमें, और जाली वाला कोई बर्तन लेके अच्छे से पानी को छान लेना है, और छानने के बाद उसको दोनों हाथ से प्रेस करके उस पानी को बिल्कुल निकाल देना है, और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। और पानी निकालने के बाद उसके बाद हम माश को दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसेंगे, दरदरा माश को पीसने के बाद उसको खूब फेंटेंगे, और तब तक फेंटेंगे हम जब तक मतलब उसमें ऐसे फ्लावर जैसा बिल्कुल हल्का फन ना आ जाए। खूब फेंटने के बाद हम चेक करेंगे, अगर पानी में एक पानी का गिलास ले लीजिए और उसमें पानी में डिप करिए, अगर तो पानी के नीचे बैठ जाता वो तैयार नहीं हुआ होता है, अगर पानी के ऊपर तैरता है तो वो बिल्कुल से तैयार है। उसके बाद आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, कद्दू और इसको जो कद्दूकश करके रखा था हमने, उसको मिक्स करिए। और उसके बाद आप जो जो सामान आप डालना चाहती हैं, जैसे हींग और जीरा, और उसमें डाल सकते हैं आप अदरक, अदरक को भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं, और उन चीज़ों को डाल के सारा को मिक्स करिए, और उसके बाद सुखाइए हमारी तरह धूप में, और बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, बढ़िया बढ़िया, भूल रही हूँ बोलना भी, तो बिल्कुल तैयार है हमारा। कितना अच्छा दिख रहा है ना, आप लोगों को भी लग रहा है पता कि भाई कितना सुंदर दिख रहा है, और बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप लोगों की ये बढ़िया बनाने का आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय बाय, तब तक।